वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, मुझे छोड़ दो, मेरी अस्मिता को मत नोचो। बेबस और गमगीन आंखों से अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदे कहां मानने वाले थे। हम बात कर रहे हैं द प्रज्वल रेवन्ना फाइल्स की। जी हाँ, बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सवाल ये है कि किससे बचाएं बेटी, बीजेपी के नेताओं से। दरअसल कर्नाटक की राजनीति में इस समय उबाल मचा हुआ है और विवादों में है पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की फैमिली। जेडीएस के सांसद और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रज्वल का मामला सेक्स स्कैंडल से जुड़ा है, जिसमें उनके 1000 से ज्यादा वीडियो सामने आए हैं। जो वीडियो सामने आई हैं, उनमें घर में काम करने वाली मेड से लेकर हाई प्रोफाइल महिलाएं शामिल हैं। वीडियो में उनका जबरन यौन शोषण करते हुए रिकॉर्डिंग की गई है। इन वीडियोस में प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण करते और खुद ही इसकी रिकॉर्डिंग करते देखा जा रहा है। प्रज्वल रेवन्ना पर हजारों महिलाओं को परेशान करने और उनका यौन शोषण करने के आरोप है। साथ ही उसने इन कृत्यों को रिकॉर्ड भी किया है। लिहाजा जैसे ही ये तथाकथित वीडियो वायरल हुआ, कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी संलिप्तता को पूरी तरह से खारिज कर दिया और दावा किया कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है। इसी बीच इस कहानी में नया मोड़ तब सामने आया जब कर्नाटक बीजेपी के नेता देवराज गौड़ ने दावा किया कि उन्होंने दिसंबर 2023 में पार्टी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमें सरकारी अधिकारियों समेत महिलाओं के यौन शोषण के करीब 3000 वीडियो हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीए के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने इन वीडियो फुटेज के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल किया और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया। साथ ही बीजेपी नेता ने आगे दावा किया कि इन वीडियो और तस्वीरों वाली एक और पेन ड्राइव कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक पहुँच गयी है। अगर हम जेडीएस के साथ गठबंधन करते हैं और अगर हम लोकसभा चुनाव के लिए हासन सीट पर जेडीएस उम्मीदवार को उतारते हैं, तो इन वीडियो को ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और हम एक ऐसी पार्टी के रूप में दागदार होंगे जिसने एक बलात्कारी के परिवार के साथ गठबंधन किया है। देवराज गौड़ा ने अपने पत्र में कहा, ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी की छवि के लिए एक बड़ा झटका होगा। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना सुर्खियों में आ गए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है जब देश में चुनाव का सीजन है। वीडियो 26 अप्रैल को कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले इस घटनाक्रम से राज्य में एक बड़ा विवाद पैदा होने की संभावना है। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, मामला गर्माता देख जेडीएस ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी की जांच होने तक पार्टी से निलंबित कर दिया। जेडीए कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवगौड़ा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी की जांच का स्वागत करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, महिला का अपमान नहीं होना चाहिए, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? बता दें कि कर्नाटक में फिलहाल जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है। चुनावी मौसम में विपक्ष को मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने का, लेकिन बीजेपी ने इस तथाकथित वीडियो से किनारा कर लिया है। लिहाजा प्रज्वल इस चुनाव में दूसरी बार हासन सीट से जेडीएस उम्मीदवार है। मामला गर्माता देख पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके विधायक पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने जांच के लिए एडीजीपी वीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यों वाली एसआईटी बना दी। मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। 28 अप्रैल को मामला सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूंका। लिहाजा इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, मंच पर उसकी तारीफ करते हैं, आज कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है।
उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, मोदी जी क्या अब भी आप चुप रहेंगे? एसआईटी की टीम लगातार प्रज्वल रेवन्ना की तलाश कर रही है, लेकिन खबर है कि वो जर्मनी भाग गए हैं। विवाद बढ़ता देख जेडीएस विधायक ने भी जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा को पत्र लिखा है और प्रज्वल रेवन्ना को निष्कासित करने की अपील की। बता दें कि एचडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराई है। केस हासन के पोलेनारसीपुर थाने में दर्ज किया गया। साथ ही महिला ने अपने और अपने परिवार की जान को खतरा भी बताया है। इस घटना पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज पीएम मोदी को जवाब देना होगा कि उन्होंने इस दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार क्यों बनाया। प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से, क्या सोचकर आपने इतने घिनौने दरिंदे को अपना साझा उम्मीदवार बनाया। और हर बार आप महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ ही क्यों खड़े होते हैं? प्रधानमंत्री चुप रहेंगे? देश की महिला बाल विकास मंत्री, जैसा कि आप सब जानते हैं, मौन धारण कर लेती हैं महिला सुरक्षा, महिला अपराध का कोई भी मुद्दा हो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बेटी किससे बचाएं और कैसे बचाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।